हेलो गाइज, वेलकम करता हूँ आज फिर से एक बार अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो लर्नर लाइसेंस का एग्जाम है वो आपको कैसे देना होता है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो लर्नर लाइसेंस के लिए तो उसके बाद आपको एक टेस्ट देना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम वही दिखाने जा रहे हैं कि वो टेस्ट आप कैसे दें। सबसे पहले जाएंगे अपने ब्राउजर में, सर्च करेंगे परिवहन। आप पहली वाली साइट पे क्लिक करेंगे, ड्राइवर्स लर्नर्स लाइसेंस, यही वाला इसी पे क्लिक करना है। इसके बाद में सिलेक्ट स्टेट करनी है। ये पॉपअप आपके सामने आएगा तो इसको स्किप करते हैं यहाँ पे। फिर जाएंगे इस वाले कॉलम में लर्नर्स लाइसेंस, यहाँ पे आपको ऑनलाइन एलएल टेस्ट स्टॉल आएगा। इस पे क्लिक करके आपको जो है यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर देना है। अपना एप्लीकेशन नंबर डालते हैं इसमें। इसके बाद में हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे इसमें। इसके बाद में हम इसमें पासवर्ड डालेंगे जो कि आपके आरटीओ से आया होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया है। अब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको जो है स्क्रीन टेस्ट एड फॉर लर्नर लाइसेंस, इसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद एप्लीकेंट की सारी डिटेल इसमें आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपकी लैंग्वेज जो आपको समझ में आती होगी, इसको क्लिक करना है, इसको भी क्लिक करना है और कंटिन्यू पे। अब जो है हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, दिस साइन रिप्रेजेंट, जो ये प्लस का निशान है ये क्या होता है? तो इसका मतलब फर्स्ट एड पोस्ट। अब हम इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद जिस पे ग्रीन का साइन होगा वो आपका सही आंसर होता है। Which sign denotes both side parking? तो दोनों साइड पार्किंग कौन सा वाला है? इसमें जो है पी, ये वाला थर्ड वाला जो है इसकी बोथ साइड पार्किंग है, क्योंकि इस पर लेफ्ट एरो भी है, राइट एरो भी है और पार्किंग का निशान भी है। तो अब इस पर कन्फर्म करेंगे। अब ये भी ग्रीन हो गया है। अब जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लेन मिरर इन ए कार शोज रियल इमेज वर्चुअल इमेज वाइड रियर व्यू, इसको करेंगे वाइड रियर व्यू, कन्फर्म। तो एक गलत हो चुका है। दिस साइन रिप्रेजेंट्स ऊपर की तरफ एरो, लेफ्ट की तरफ एरो, कंपल्सरी अहेड और टर्न राइट, कंपल्सरी अहेड और लेफ्ट टर्न। तो इसका यही वाला सही आंसर है। Which sign denotes restriction ends? तो कौन सा वाला साइन रिस्ट्रिक्शन एंड्स दिखा रहा है? तो पहला वाला ही है इसका आंसर, जो ब्लैक और ये वाला है, तो ये सही आंसर है। Which sign denotes compulsory turn left? Compulsory turn left कौन सा वाला क्वेश्चन है? तो इसका आंसर फोर पार्ट है, जो लेफ्ट की तरफ एरो है यही वाला इसका आंसर है, कन्फर्म। While driving, you start feeling tired or unable to concentrate. You should stop as soon as it is safe to do so and take rest. तो इसका जो सही आंसर ये यही है। अब इसी पे हम क्लिक करने जा रहे हैं, तो क्लिक करते हैं और कंफर्म करते हैं। अब मेरा लर्नर जो है वो पास हो चुका है, क्योंकि अब जो मेरा स्कोर है वो 6 out of 10 मार्क्स है। मतलब है 10 में से आपको 6 करने होते हैं। जब आपके 6 हो जाते हैं, चाहे अगर आपको दूसरा तीसरा गलत भी हो जाता है, जब जिस पॉइंट पे आपको 6 सही हो जाएंगे वहाँ पे आपका जो लर्नर है वो पास हो जाएगा। अगर आपने 10 में से 6 नहीं लाए तो आपका जो लर्नर है वो फेल हो जाएगा और उसके बाद आपका जो है रिटेस्ट फीस
फिर से भरना पड़ेगा, वो आपका जो है RTO डिसाइड करेगा। आप यहाँ नीचे भी देख सकते हो लर्नर लाइसेंस जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर द एप्लीकेशन, और लर्नर लाइसेंस नंबर जो है वो इस तरह है, और क्लिक हियर टू प्रिंट जो है आप वो भी कर सकते हो। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP सबमिट करने के बाद इस पे सबमिट करना है तो लर्नर जो है वो खुल के आएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना।